ये 2 किलोवाट के लिए हम जो है 4 पैनल इंस्टॉल किए हैं। ये वाला जो है ये बड़ा वाला 550 वाट का हाफ कट मोनो पैनल है, और ये जो नॉर्मल पैनल आता है 325 वाट का ये है। तो 325 वाट का ईच है और ये अकेला जो है 550 वाट का है। तो इसको दिखाने का मतलब ये है कि ये लगाने से जो है लगभग मेरा पूरा टेंशन जो है ख़त्म हो रहा है। अभी देखिए हम इसी से अपना हम एसी चालू किए हुए हैं घर का, ये सोलर से ही चल रहा है, ठीक है, ये सोलर से चल रहा है। अभी आपको सीधा मैं लेके चलता हूँ अपने यूपीएस के पास, जो दिखाएगा कि इसमें जो पावर आ रहा है वो बंद है, ऑफ है। तो ये वो सिस्टम है 2 किलोवाट का। इधर हम 2 किलोवाट के लिए 2 बैटरी रखे हैं 12 वोल्ट का अंदर में, और ये लुमिनस का ऑफ ग्रिड जो है ये क्या बोलते हैं इसको इन्वर्टर है। तो अभी आप देखिए ये क्या कह रहा है, बैटरी चार्जिंग ऑन है, सोलर ऑन है, लोड ऑन इन्वर्टर जो है इतना है, और इसमें दिखाएगा इलेक्ट्रिकल जो है स्विच ऑफ है, इसका इलेक्ट्रिक का जो मेन स्विच है वो ऑफ है। पावर अभी दे रहे हैं हम 69 किलोवाट, मैंने 600 वाट हम कंजम्पशन कर रहे हैं। सोलर ऑन है, लोड ऑन है, मोड इको है, और लोड 41% है। ये देखिए ग्रिड ऑफ है, यानी कि मेरा जो ग्रिड है वो ऑफ है। अब आपको दिखाते हैं अपने रूम का एसी जो इससे हम चला रहे हैं। ये देखें, ये अपना रूम का जो है चला रहे हैं एसी उसी से, यानी कि घर का सब लाइट, टीवी, ये सारे लाइट, ये टीवी उसी से चलता है, सब जो है उसी से चलता है। नीचे में इवन वॉशिंग मशीन चल रहा है और एक फ्रिज चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है 2 किलोवाट का। अपने घर पे भी आप तो लगाइए और इलेक्ट्रिक मुक्त हो जाइए। अब इलेक्ट्रिक का कनेक्शन सिर्फ हमको जो है मतलब रात में 10 बजे के बाद, यानी कि आप समझ जाएं 1-2 बजे लाइन बंद होता है, तो उस वक़्त तो उतनी ज़रूरत नहीं होती है, उसी समय 2-3 घंटे के लिए जो है लाइट जलता है जो इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।